जानती है ना मैं यहाँ क्यों? दी, ये तो गलत है ना? This is wrong, दी. गलती कोई और करे और सजा. कृष्णा, विकी कोई और नहीं है ना? हमारा भाई है. मेरे नाम के साथ वालिया खानदान का नाम जुड़ा हुआ है. तो अगर तुम मेरी बेइज्जती करोगी तो अपने घर की भी बेइज्जती करोगी. ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना होगा प्रणीता. इसके बाद कभी तुम रोटी नहीं बनाओगे प्रणीता. प्रणीता की हिम्मत देखी, इसने खाने में जहर मिलाया और मेरे विकी को मारने की कोशिश की है. मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. मॉम, मैं वही कह रही हूँ जो सच. इसने खाने में जहर मिला और ये बात मैं साबित करके रहूंगी. ये खाना हम किसी जानवर को खिला देते फिर तो ये बात साफ. जानवर को ये खाना प्रणीता को खाना होगा सबके सामने और साबित करना होगा कि इस खाने में जहर है या नहीं. मैंने तुमसे कहा था ना प्रणीता, मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें. देखो, ये खाना खाने के बाद तो तुम इस दुनिया से ही बाहर चले जाओगे. देखा कैसे भूत बनकर खड़ी है? क्योंकि ये साबित ही नहीं कर सकती कि इस खाने में जहर है या नहीं. ये खाने को हाथ भी नहीं लगाई क्योंकि ये जानती ना इस खाने में जहर है. क्यों खाएगी खाना? अगर मेरे खाना खाने से ये साबित होता है कि इस खाने में जहर नहीं है तो ये खाना मैं खाऊंगी. मैंने कहा था खाने में जहर नहीं है. ऐसा हो ही नहीं सकता प्रणीता, इस खाने में जहर है. बस करो मीरा, अब तू हद से आगे बढ़ती जा रही हो. प्रणीता ने खाना खा के साबित कर दिया है कि खाने में कोई जहर नहीं है. प्रणीता अंकल, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए. खाने में जहर था.
बात तो सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। क्या बात है जय? हाय हेलो, कुछ नहीं। तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। अगर ये बकवास आपकी प्यारी पत्नी प्रोनीता के लिए है तो मतलब ये जो कि इतनी रात को कोई किसी के लिए फूल क्यों चुनेगा? या तो वो इंसान मर गया है या तो मरने वाला है। क्या हुआ प्रोनीता? बता देती लेकिन खैर, आपके पास मेरी बकवास के लिए वक्त कहाँ है? वीरा, प्यार से जय। वीरा, प्लीज बता दो कि क्या हुआ है प्रोनीता को। इतने प्यार से कहेंगे तो अपनी जान भी दे दूंगी जय, लेकिन खैर फिलहाल तो प्रोनीता की जान है। वीरा, आखिरी बात पूछ रहा हूँ, तुमने प्रोनीता के साथ क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है जय। जो कुछ भी किया है खुद प्रोनीता ने अपने हाथों से किया है जय। अब देखो, खुद शादी करके मेरी सौत बनकर इस घर में आए, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे बच्चों को ज्ञान सिखाने की कोशिश की। हमारे बीच किसी और को मैं कैसे आने देती जय? अब देखो, विकी के लिए उसने अपनी हाथों से खाना बनाया और उस खाने में जहर था, और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वही खाना प्रोनीता ने सबके सामने खाया। बहुत खतरनाक जहर था। बेचारी प्रोनीता, उसका तो राम नाम सत्य हो गया। नहीं, अभी प्रोनीता को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने तो बस एक रात की काली लॉकअप में, अगर मुझे कुछ हो गया तो जिंदगी भर लॉकअप में जाना होगा। मैंने तो भूखा गई जाएंगे, फिर आप जाएंगे, क्या होगा वाले अंबर? रिलैक्स जय, रिलैक्स, अभी भी वक्त है, हो सकता है कि प्रोनीता की जान बच जाए। चाहिए जय, बचाइए उसे। I'm impressed. मान गया कि इस खेल की असली खिलाड़ी तुम ही हो। चिट भी मेरी और पट भी मेरा। वो तो ठीक है रणवीर, लेकिन खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें एक और काम करना होगा। क्या? तुम्हें तुरंत वहां जाना और मुझे हर पल की खबर देनी होगी। मैं जानना चाहती हूँ कि वो प्रोनीता हर पल कैसी मौत है। जा।
मैं नहीं देता बहरा हो गए इसकी तो ऐसी की तैसी। ओ मैडम जी, ओ मैडम जी क्या हो गया? ओ मैडम जी, मैडम जी। आप पूछा नहीं कर रहे जी बिल्कुल। यार कहो तुम कम ऑन पिक अप द फोन। और ये फोन बज रहा है आपका। पिक अप द फोन प्रोनीता प्लीज पिक अप। हेलो आप कौन बोल रहे हैं? प्रोनीता कहाँ है? सर मैं टैक्सी ड्राइवर बंटी सिंह बोल रहा हूँ। दरअसल मैडम की तबीयत बहुत खराब हो गई तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। सिटी हॉस्पिटल जी। हाँ जी ओके आप जरा जल्दी पहुँचिए, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। हाँ जी मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ। थैंक यू मैडम जी। धीरे देखिए आप टेंशन मत लो, मैं आपको पहुँचा देता हूँ हॉस्पिटल। बच्चे आ ही गया हॉस्पिटल आ गए। चलो कोई है जल्दी आइए, ये मैडम की बहुत तबीयत खराब हो गई, इनके मुंह से बहुत खून निकल रहा है। मैडम क्या हुआ आपको? कुछ बताइए, आपके मुंह से खून बह रहा है। जहर, गलती से जहर। एमरजेंसी है मैडम। आपका नाम क्या है? वाणी। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम, आपका नाम क्या है? प्रोनीता वालिया इनका। और आप इनके क्या? मैं इनका पति हूँ, लेकिन आपका दिमाग खराब हो गया है। इनकी हालत इतनी खराब है और इतनी सवाल जवाब कर रहे हैं आप। अंदर ले चलिए ना डॉक्टर के पास। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? डोंट वरी प्रोनीता, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओके रिसेप्शन पर जाकर आप फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। जी। मौसम कैसी है प्रणीता? अभी भी हालत क्रिटिकल है, उनके पूरे बॉडी में जहर फैल चुका है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तेरा इंतजार
सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा। डॉक्टर प्रणीता। यू नो मिस्टर वालिया, प्रणीता को बचा पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, और चमत्कार कभी कभार ही होते हैं, लेकिन इस केस में मिरेकल हुआ है, बहुत बड़ा मिरेकल। शी इज सेफ नाउ मिस्टर वालिया, शी इज सेफ। जहर पूरे बदन में फैल जाने के बावजूद उनका बच पाना कमाल है, लेकिन जैसे लगता है उनके अंदर की ताकत और उनके जीने की इच्छा ने ही उन्हें बचा लिया। हाँ, आप मिल सकते हैं, लेकिन जब ओटी से निकलकर वार्ड में शिफ्ट हो जाए तब। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मुझे एहसास है वाणी की, प्रणीता आज बची है तो तुम्हारी वजह से। तुमने उसकी मदद की है, क्योंकि प्रणीता सब कुछ हमारे बच्चों के लिए ही तो कर रही है। अगर प्रणीता की जगह तुम होती तो तुम भी ऐसा ही करते। थैंक्स पारिक्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर। ना जाने क्यों जब भी मैं उसे देखता हूँ तो एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उसमें तुम भी शामिल। काश इस वक्त तुम वाकई मेरे साथ होती वाणी। मुझे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रणीता, क्या तुम जानती थी कि मैं कितना डर गई? जब तुम्हें पता था कि उस खाने में जहर है तो तुमने खाना क्यों खाया? मिस्टर वालिया, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया था। मैं जानता हूँ प्रणीता, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जब तुम जानती थी कि खाने में जहर है तो तुमने खाना क्यों खाया? मुझे खाना खाना ही था, क्योंकि अगर मैं वो खाना नहीं खाती तो मीरा सबके सामने ये साबित कर देती कि मैंने खाने में जहर मिलाया था। उसका इल्जाम सबके सामने सच साबित हो जाता। लेकिन प्रणीता, क्या मेरे बारे में तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा? मेरा क्या हाल हो जाने वाला था ये नहीं सोचा तुमने? अगर मेरी जगह बानी होती तो वो भी यही करती ना मिस्टर वालिया। हाँ, वो बिल्कुल वैसे ही करती, लेकिन उसे भी मेरी डांट सुनने को मिलती जैसे अभी तुम्हें सुनने को मिलता। ठहरो ठहरो, मैं देता हूं। मिस्टर वालिया, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। चुप चुप, ये क्या लगा रखा है तुमने? तुमने ही कहा था ना दोस्ती में नो थैंक्स एंड नो सॉरी, अब तुम ही बोल रही हो। मिस्टर वालिया, मैं घर जाना चाहती हूँ। इस हालत में मैं तुम्हें घर कैसे ले जा सकता हूँ? तुम्हें तो आराम की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर वालिया, आप प्लीज यहाँ के डॉक्टर से बात कर लीजिए, और देखिए हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर नहीं जाएंगे ना तो इसका फायदा मीरा उठाएगी, और वे पूरे परिवार के सामने साबित कर देगी कि मैंने जहर मिलाया था, जबकि ये सच नहीं है। प्लीज मिस्टर वालिया। लेकिन प्रणीता, प्लीज समझने की कोशिश तो करो। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं चेकअप के लिए डॉक्टर्स को घर पे बुला लूंगी, और आप तो मेरे साथ होंगे ना, तो जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे क्या हो सकता है? ठीक है। हाँ रणवीर, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रही थी। बोलो क्या न्यूज़? मेरा शायद ये तुम्हारे जिंदगी की सबसे बुरी खबर हो। प्रणीता जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसको। What? It
इतना जहर खाने के बावजूद भी वो बच गई। ये औरत है या डायन? मेरा वो डायन है या कुछ और? इस सब पे वक्त बर्बाद मत करो और मुझे बताओ कि आगे क्या करना है। इसमें पूछने वाली क्या बात है? उसका काम तमाम कर दो। What? मीरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये हॉस्पिटल है, इतने सारे लोगों के बीच में उसको मारना कितना आसान है। And by the way, तुम्हारे प्यारे पतिदेव वही है प्रोनिता के पास। वही तो प्रॉब्लम है कि जय भी ना, उन्होंने ही सही वक्त पर आकर उसको बचा लिया। एक काम करो, तुम घर वापस आ जाओ, मेरे पास एक और प्लान है। अब मैं दोबारा मौका नहीं दूंगी उसे। ओके? प्रोनिता, मुझे तुम्हारे घर आने का बेसब्री से इंतजार है। मुस्कुरा के जीवन